हाय फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुकी में भी और मैं हूँ चंचल तो फ्रेंड्स आज हम लाए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रोनाउन और अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूं तो आप जा सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट पे और चेक कर सकते हैं कि हमारी ग्रामर सीरीज चल रही है जो कि शुरू हुई थी पार्ट्स ऑफ स्पीच से जिसका पहला पार्ट था नाउन जिसके हम सारे पार्ट्स कर चुके हैं पीछे के चैप्टर में और आज हम करेंगे सेकेंड पार्ट जो कि है प्रोनाउन और जो भी हमारी नाउन सीरीज़ देख रहे थे उनको मैं बताना चाहती हूँ कि नाउन सीरीज़ का जो लास्ट पार्ट था टाइप्स ऑफ नाउन में लास्ट पार्ट था जीरन्ट्स जीरणस हम थोड़ा सा रुक के करेंगे उसका रीज़न क्या है उसका रीज़न ये है कि जीरण समझने के लिए जो भी हमें एलिमेंट्स चाहिए जैसे कि वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब अभी तक हमने नहीं पढ़ा है तो जब हम उसको पढ़ लेंगे तो आपको जीरण समझने में ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि हमारा पर्पस क्या है कि हम कोई भी चीज जल्दबाजी में ना करें और हमारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहें तो जब हम वर्ब और ये सब कवर कर लेंगे उसके बाद हम जेरेंस पढ़ेंगे ताकि हमें एकदम से वो समझ में आ जाए उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे वीडियो में आगे क्योंकि अब हम चलने वाले हैं प्रोनाउन को लेके तो फ्रेंड्स मैं पार्ट्स को शुरू करने से पहले पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहते हूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है क्योंकि अब हम जब पार्ट्स पढ़ेंगे तो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है जैसे अगर मैं बोलूँ द एप्पल फेल ऑन द लाइन द एप्पल फेल ऑन द लाइन अब यहाँ पर क्या हुआ एप्पल ये है सेब और एक्शन कौन कर रहा है एप्पल एप्पल का एक्शन किस पे हो रहा है लायन पे तो जिस जो एक्शन कर रहा है सेंटेंस में या जिसकी बात हो रही है वो होता है हमारा सब्जेक्ट तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट हुआ एप्पल और एक्शन जिस पे हो रहा है जिस पे उस चीज का असर हो रहा है जो भी हमारा सेकेंड पर्सन है यहाँ पे वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है लायन बिकॉज एप्पल किस पे गिरा लायन के ऊपर तो लॉयन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट तो आई एम श्योर आपको ये समझ आया होगा कि सब्जेक्ट कौन होता है जिसके बारे में हम जो एक्शन कर रहा है जो फर्स्ट पर्सन है और ऑब्जेक्ट कौन है जिस पे वो एक्शन हो रहा है जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं राम इज रीडिंग अ बुक राम इज रीडिंग अ बुक यहाँ कौन एक्शन कर रहा है राम एक्शन कर रहा है तो राम हो गया हमारा सब्जेक्ट और एक्शन किस पे हो रहा है एक्शन हो रहा है बुक पे तो बुक हो गया हमारा बता सकते हैं ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट और इसका एक और तरीका है इसको डिफ्रेंशिएट करने का मोस्टली जो वर्ब से पहले आता है वर्ब क्या है हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं जिसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि वर्ब क्या होता है बट अभी के लिए वर्ब क्या होता है जो भी हम एक्शन कर रहे हैं जो भी हम काम कर रहे हैं तो जो भी हम काम कर रहे हैं उससे पहले जो आता है वो हमारा होता है मोस्टली सब्जेक्ट और जो उसके बाद आता है वो तो होता है हमारा ऑब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो प्रोनाउन में हमारा सबसे पहला पार्ट है सब्जेक्टिव प्रोनाउंस ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं जैसे कि अभी हम हमने पढ़ा सब्जेक्ट क्या होता है सब्जेक्ट होता है जो भी वो एक्शन कर रहा है जैसे कि अगर मैं बोलूं कि राम इज़ रीडिंग अ बुक जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था राम इज़ रीडिंग अ बुक यहाँ पे कौन है हमारा सब्जेक्ट कौन है राम लेकिन अगर मैं राम की जगह कुछ और यूज़ करूँ मान लीजिए अगर मैं कहूँगी राम बुक पढ़ रहा है वह बहुत देर से बुक पढ़ रहा है तो राम की जगह अब मैंने क्या लगाया वह तो ऐसे ही पहले वाले सेंटेंस में राम बुक पढ़ रहा है तो अगर मैं राम को हटा के वह लगा दूँ वह बुक पढ़ रहा है तो वह हो गया हमारा यहाँ पे प्रोनाउन बिकॉज वो राम की जगह ले रहा है अगर मैं राम की जगह क्या लिख सकती हूँ वह वह बुक पढ़ रहा है ही इज रीडिंग अ बुक राम इज रीडिंग अ बुक और अगर मैं राम को रिप्लेस करूँ तो ही इज़ रीडिंग अ बुक क्योंकि मैं बार बार तो राम नहीं बोलूंगी राम इज रीडिंग अ बुक राम बुक पढ़ रहा है राम विल गो टू द मार्केट तो राम इज रीडिंग अ बुक ही विल गो टू द मार्केट तो अब राम की जगह यहाँ पे क्या आ गया ही तो ही हो गया हमारा प्रोनाउन और क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट की जगह यूज़ हो रहा है क्योंकि सब राम हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि वो एक्शन कर रहा है तो इसीलिए ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई एम श्योर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा पहली बात तो ये प्रोनाउन है क्योंकि ये नाउन की जगह यूज़ हो रहा है और दूसरी बात ये यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है क्योंकि ये एक्शन कर रहा है आई एम गोइंग टू द किचन डू यू नीड एनी आई एम गोइंग टू दिनाउन क्या है क्योंकि यहां पर जगह यूज हो, हो रहा है आई एम श्योर प्रोनाउन तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये आई है अगर मैं आई हटा दू तो आई की जगह यहाँ पे क्या आएगा मेरा नाम चंचल चंचल इज गोइंग टू द किचन और चंचल की जगह अगर मैंने आई लिख दिया तो क्योंकि ये नाउन की जगह आ गया तो ये हो गया मेरा प्रोनाउन आई हो गया प्रोनाउन और क्योंकि ये सब्जेक्ट है यहाँ पे क्योंकि ये एक्शन कर रहा है इसीलिए हो गया आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन तो जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं हमारे आई एम गोइंग टू द किचन ही इज़ गोइंग टू द मार्केट शी इज़ प्लेइंग तम्बोला और ऐसे ही कुछ भी दे आर प्लेइंग देयर तो ये सब हमारे होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट की जगह आ रहे हैं आई वी यू दे ही शी इट ये सब हमारे होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस या इनको हम पर्सनल प्रोनाउंस भी बोलते हैं क्योंकि ये एज अ पर्सन किसी भी पर्सन की जगह जब हम बात करते हैं तब ये यूज़ होते हैं हम किसकी बात करते हैं हम या तो अपनी बात करते हैं आई या हमारी बात करते हैं वी सामने वाले की बात करते हैं यू दे ही शी और इट तो जब भी किसी पर्सन की बात करते हैं तो ये होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउंस या फिर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस अब आप बोलेंगे कि ही शी इट दे ये तो आपने बोला पर्सन की बात हो रही है तो फिर इट कैसे आया क्योंकि इट तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है तो फ्रेंड्स इट इसलिए यूज़ होता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है बहुत सारे जैसे स्पेशली एनिमल्स के लिए यूज होता है जब हमें किसी का जेंडर स्पेसिफिकली ना पता हो कि क्या जेंडर है स्पेशली एनिमल्स का तो वहां पे हम इट यूज़ करते हैं जैसे अगर मैं बोलूंगी मंकी इज क्लाइंबिंग इट इज़ क्लाइंबिंग वेरी फास्ट मैं वहाँ पर इट यूज़ कर सकती हूँ जहाँ पर मेरे को जेंडर क्लियर नहीं है या मैं स्पेसिफिक नहीं हूँ जेंडर क्या है वहाँ पे हम इट का यूज कर सकते हैं तो ये था हमारा पर्सनल या कह सकते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन ओके नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसा कि आप समझ ही गएंगे वर्ड से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब जो भी हमारे ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होते हैं इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से जैसे कि राम इज़ विद यू राम इज विद यू राम तो यहाँ पर हमारा नाउन है हमारा प्रोनाउन क्या है यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है यहाँ पे यू क्योंकि अगर मैं यू हटा दूं तो यहाँ पे कोई नाम आएगा जैसे कि राम इज विद मीरा तो मीरा की जगह हमने लगा दिया यू तो अब ये नाउन की जगह जो ले रहा है यू ये है हमारा प्रोनाउन लेकिन ये यह प्रोनाउन यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है राम इज विद यू राम यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है राम की बात हो रही है लेकिन वो एक्शन किस पे हो रहा है किसके साथ है वो यू मीरा के साथ तो यू हमारा यहां पे वर्क कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मीरा इज प्लेइंग विद हिम मीरा उसके साथ खेल रही है मीरा खेल रही है किसके साथ उसके साथ मेन यहां पे सब्जेक्ट कौन है मीरा एक्शन कौन कर रहा है पहले मीरा और किसके साथ एक्शन किस पे हो रहा है उसके साथ विथ हिम अब हिम की जगह में क्या लगा सकती हूँ हिम की जगह में लगा सकती हूँ रमेश कोई भी नाम आ सकता है हिम की जगह किसने ली है किसी भी नाम ने मतलब किसी भी नाउन ने तो हिम हमारा ये तो सबसे पहले क्लियर है कि हमारा प्रोनाउन क्या है यहाँ पे हिम क्योंकि एक है हमारा नाउन और दूसरा है प्रोनाउन नाउन तो है जो हमारा नाम है सेंटेंस में और दूसरा जो नाम की जगह ले रहा है हिम वो है हमारा प्रोनाउन लेकिन ये जो हिम है यहाँ पे ये एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है इसीलिए ये है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन शी इज विद मी वो मेरे साथ है शी इज विद मी मी यहां पे हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मोहन इज प्लेइंग विद हिम मोहन किसके साथ खेल रहा है उसके साथ उसके साथ तो उसके यहां पे हो गया हमारा क्योंकि एक तो है मोहन मोहन तो हो गया नाउन उसके साथ खेल रहा है मोहन इज प्लेइंग विद हिम हिम की जगह किसने ली किसी भी नाउन की जगह कि, किसने ले ली हिम ने ना हिम की जगह यहाँ पे कोई नाम भी हो सकता था पर नाम को हटा के हमने लिख दिया वहाँ पे हिम तो हिम हो गया हमारा यहाँ पे प्रोनाउन और क्योंकि ये एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया है तो इसीलिए हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन तो आई एम श्योर आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा सब्जेक्टिव मतलब जो सब्जेक्ट की जगह आ रहा है प्रोनाउन वो और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो हमारा ऑब्जेक्ट के जैसे यूज हो रहा है राम इज़ विद मी ही इज़ प्लेइंग विद हिम राम इज़ प्लेइंग विद हर तो यहाँ पे जो भी हर हिम जो ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हो रहे हैं वो है हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ओके फ्रेंड्स तीसरा है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव जैसे कि वर्ड में ही है पोजेशन मतलब जब किसी का किसी चीज़ पे कोई अधिकार हो ये हमें बताता है कि कोई चीज़ किसकी बिलोंग किसको बिलोंग करती है वो चीज़ किसकी है या किसका उस पर अधिकार है जैसे अगर मैं बोलूँ यह गुड़िया मेरी है तो गुड़िया किसकी है मेरी है यह घर मेरा है वो कार उसकी है वो खिलौने इसके हैं या वो पार्क हमारा है या कुछ भी मतलब जो भी जिसका कोई पोजेशन दिखाए या अधिकार दिखाई कि ये चीज़ उसकी है तो उसको हम बोलते हैं पोजेसि प्रोनाउन यह कार उसकी है तो उसकी यहाँ पे हमारा आगे प्रोनाउन क्योंकि उसकी की जगह हम क्या लगा सकते हैं नाम किसी नाम की जगह आया है उसकी तो उसकी हमारे यहाँ पे प्रोनाउन और कार किसकी है उसकी ये बताया गया है यहां पे कार उसकी है ये कार उसको बिलोंग करती है उसका उस पर अधिकार है तो ये है हमारा यहां पे पॉजिशिव प्रोनाउन जैसे अगर मैं बोलूँ यह गुड़िया मेरी है दिस डॉल इज माइन अच्छा इसमें एक चीज समझने वाली है इसमें दो तरह की चीजें आती है जैसे अगर मैं बोलूँ यह गुड़िया मेरी है तो दिस डॉल इज माइन क्योंकि मैंने यहाँ पे गुड़िया पहले आया है जो चीज़ मुझे बिलोंग करती है वो पहले आई है और मेरा बाद में आया है उसको उल्टा अगर मैं बोलूँ यह मेरी गुड़िया है तो जब भी जो चीज़ की हम बात कर रहे हैं जो जिस चीज़ पे हम अधिकार जता रहे हैं जब वो प्रोनाउन से पहले आती है साथ में लग के आती है जैसे पहले प्रोनाउन और बाद में वो चीज़ आती है यह है मेरी गुड़िया है तो हम बोलेंगे दिस इज़ माय डॉल दिस इज़ माय डॉल लेकिन अगर वही जो डॉल है जो गुड़िया है वो पहले आता है यह गुड़िया मेरी है अगर वो ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है अगर जिस चीज़ के हम अधिकार की बात कर रहे हैं वो चीज़ पहले आ रही है यह गुड़िया मेरी है तो हम यूज़ करेंगे दिस डॉल इज़ माइन तो आई एम श्योर ये डिफरेंस आपको समझ आया होगा क्योंकि इसमें पोजीशन में दो तरीके से बात हो रही है एक तो जिस चीज़ के अधिकार की बात हो रही है अगर वो चीज़ साथ में लग के आ रही है यह गुड़िया मेरी है तो वो जो अधिकार वाली चीज़ है वो पहले आ रही है और प्रोनाउन के साथ में लग के आ रही है यह है गुड़िया मेरी है दिस डॉल इज माइन और उल्टा हम बोलते हैं यह है मेरी गुड़िया है तो प्रोनाउन पहले आया और जिस चीज़ के अधिकार की बात हो रही है वो बाद में आई तो हम बोलते हैं दिस इज़ माई डॉल दिस इज माई डॉल यह पेन उसका है दिस इज हिज पेन यह पेन उसका है दिस इज हिज पेन तो आईम श्योर sure आपको ये समझ आएगा पॉजिटिव प्रोनाउन मतलब जब हम किसी की अधिकार की बात कर रहे हैं पॉजिटिव प्रोनाउन इसमें आता है हर्स आर्स आर दिस इज आर हाउस दिस हाउस इज हर्स ये उसका घर है दिस हाउस इज हर्स दिस इज़ देयर बिल्डिंग ये उनकी बिल्डिंग है तो ऐसे जब हम किसी के अधिकार की बात करते हैं उनकी इसकी तो ऐसे हम जब किसी के अधिकार की बात करते हैं तो वो होता है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन तो फ्रेंड्स आज हमने पढ़े ये तीन पार्ट्स प्रोनाउन के जो कि था पहले था हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन फिर था हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और तीसरा था हमारा पोजेसिव प्रोनाउन और इसके आगे के जो पार्ट्स हैं प्रोनाउन के वो हम करेंगे अगले भाग में अगले चैप्टर में क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप एक साथ बहुत कुछ पढ़ें और कन्फ्यूज़ हो जाएँ क्योंकि हम पूरी ग्रामर सीरीज़ में यही करते आए हैं कि हमने हर चीज़ को छोटे बिट्स एंड पीसीज में किया है ताकि जो भी हमारे लर्नर्स हैं चाहे वो बिगिनर्स हों चाहे वो बच्चे हों चाहे हाउस वाइफ्स हों किसी को भी ऐसे एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में ना जाए ताकि वो कन्फ्यूज़ ना हो इसीलिए हमने छोटे छोटे चैप्टर्स में आपकी सहूलियत के लिए छोटे छोटे चैप्टर्स बनाए हैं ताकि आप आराम से उनको देख सकें एक बार में थोड़ा पढ़ सकें ताकि वो अच्छे से आपके माइंड में रजिस्टर हो तो अभी अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस के बचे हुए पार्ट्स उससे पहले आप ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा दोबारा से रिपीट करके देखिएगा ताकि आपको डिफरेंस समझ आए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें जैसे कुछ सेंटेंसेस लें और उसमें देखें कि सब्जेक्टिव कहाँ पे आ रहा है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहाँ पे आ रहा है तो इसको ज़रूर से ध्यान से सुने बार बार लूप पे सुने और कोशिश करें समझने की कि, कि किस सेंटेंस में कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है कौन सा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन है और नेक्स्ट आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे के पार्ट्स तब तक के लिए अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो आपको लगा हो आपको क्लियर क्लियरली समझ आया है तो आप इस चैनल को और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं और अगर आपको लगता है किसी के काम आ सकता है तो उनको शेयर भी कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए की प्रैक्टिसिंग